हमारे ऐसे ट्रिपिंग करते हुए रूल सब तोड़ ताड़ के हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं घूमने ऐसे मजे मजे। सो देखिए ये लौंडा ऐसी पड़ा हुआ है, इसकी तबीयत खराब है, ये लौंडा ऐसी पड़ा हुआ है, इनके कोई मतलब नहीं है कि दुकान में जाके काम कर लें। मैं क्या जाऊँ करवा जाओ मैं भी घर चली जाऊंगी मैं, तू निकल चल निकल। सो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके फिटनेस ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग, होपफुली सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बस दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरी बहुत पहले ही हो चुकी थी, बस ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, बस अब लंच की तैयारी करेंगे घर वाले। मैं तो यहाँ कुछ नहीं बना रही हूँ, बस एक ही दिन बनाया था मैंने आलू पराठे, बाकी तो मम्मी कह रही नहीं मैं खुद ही बनाऊंगी। मैं कहा चलो बढ़िया ही है, अपने घर में तो मैं बना ही दी हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा मेरी वो हो जाती है, और इतनी पार्टीज़ अभी आज इतनी सारी पार्टीज, कभी किसी की पार्टी कभी किसी की पार्टीज, और अभी रिसेंटली 3-4 मेरी नई फ्रेंड्स बनी है आरोही की बर्थडे में। मैं जानती पहले से थी बट ज़्यादा क्लोज अब आई हूँ, तो बस इस तरह से मेरे और भी फ्रेंड्स बन गई हैं, मेरे ग्रुप में और भी नई फ्रेंड्स आ गई हैं, तो उनके साथ कल बहुत मज़ा करा, बहुत मज़ा करा, बहुत अच्छा लगा डांस करने में। जितना हम आरोही के बर्थडे में नहीं डांस नहीं कर पाए थे, यहाँ पर एक्चुअली एक तो कोई था ही नहीं पहली बार, हम ही लोग थे, हम 7-8 लड़कियाँ थी, हम ही लोग थे, अदरवाइज वहाँ कोई था नहीं। मेरे बर्थडे के वक्त तो इतनी भीड़ थी वहाँ, इतना रश था कि कुछ पूछो ही मत। और उस दिन भी संडे था, बट कल संडे था और कल भी संडे था, तब इतनी रश नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं थी इतनी रश, बट हाँ ऐसा होता ही रहता होगा कुछ ना कुछ तो। बट मज़ा बहुत आया क्योंकि कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बस डांस करते रहे, क्योंकि था ही नहीं कोई, तो बस हम ऐसे मस्ती करते रहे, फिर घर आ गए थे। सो बस अब आगे का रूटीन मैं आपसे साथ कंटिन्यू करती रहती हूँ, तो थोड़ी बात देखती हूँ। सो देखिए ये लौंडा ऐसी पड़ा हुआ है, इसकी तबीयत खराब है, ये लौंडा ऐसी पड़ा हुआ है, इनके कोई मतलब नहीं है कि दुकान में जाके काम कर लें। मैं क्या जाऊँ करवा जाओ मैं भी घर चली जाऊंगी मैं, तू निकल चल निकल, तू चल पाक बनाएगा करवा चौथ अपना, तू बना घर जाओ आ जाएंगे मैं। करो, हम तो करते हैं, जाना पड़ता है, आई खुद नहीं जाओगी खुद, हम तो चले जाएंगे, तुम अपना देखो नेस्ती मार सो रहे, ये देखो करते हैं, हर एक के नसीब में नहीं होता ये देखो इसका मुंह देखो और क्या, आराम करते हैं, आराम करे, ये देखो ये लाट साहब ये ऐसे बैठे हैं, ये कह रहे मुझे मत दिखाओ मैंने निकल पहना है, बट मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ये लो ये देखो ये आराम कर रहे हैं। ओ माय गॉड तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आओ से बोल ज्यादा पता है ना कि 1 तारीख को करवा चौथ है, क्योंकि इन्हीं की तो तभी तो काम चलेगा। अब देखो इन बेचारे की तबीयत खराब है करवा चौथ के नाम से, मगर ये तो कोई है ही नहीं बेचारे, किसके साथ बनाएंगे अपना करवा चौथ। ओ माय गॉड तो तुम एक साथ 10-10 लड़कियों के पास जाओगे, सब छत पे खड़ी होंगी है। ओ माय गॉड देखो तो, अपने आप आ जाती है हमारे पास, देखो तो इनके अपने ऑटोमेटिक पैसा बोलता है, देखा पैसा बोलती है। शाम का वक्त हो गया था और मैं जा रही थी अपनी मम्मी पापा और अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ जा रही थी मामा के घर, उनका नया घर बन रहा था वो देखने जा रहे थे हम। घर तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी जिस दिन इनकी ओपनिंग होगी, क्योंकि नवरात्रि के वक्त होगी तब दिखाऊंगी। तो अभी हम उनसे मिलने गए थे, सफाई हो रही थी तो हमने कहा चलो पहले घर में मिल ही आते हैं, तो अब हम उनके घर जा रहे हैं। सो मैं मामा के घर की छत पे आ गई, और क्योंकि घर तो मैं अभी दिखा नहीं सकती तो मैं छत पे आई, और यहाँ का मौसम और यहाँ इतनी ग्रीनरी थी ना, मज़ा आ गया देख के, मतलब इतनी शांति, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा कि यहाँ तो बैठ के चाय भी हो, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और लेडीज़ यहाँ वॉक कर रही थी, और वहाँ से मेरी कार आगे को जा रही थी क्योंकि वहाँ से दूसरी कार आ रही थी, तो बॉडी दिखा रहे थे दिखाते, और मैं दिखाती हूँ अपने छोटे भाई को, ये देखिए मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा सा भाई, ये देखिए आप तो इन्होंने बाली पहनी, हाय भैया किसे हो भैया तुम। सो ये देखिए हमारा छोटा भाई मोनिश पाल, आपने सो देखा क्या बैग कहाँ था तुम्हारा, बैग तो है बैग रखा है अच्छा, अरे हाँ ये इनका एक और घर है वहाँ रख के आए, यहाँ तो नया बन रहा है तो बस है ना, ये तो घर से सीधे आ गए। सो रात का वक्त हो चुका था, मोनिश के घर से आ चुके थे, फिर हम सो रहे थे कुछ सब्जी बनाए, फिर मन नहीं कर रहा था कुछ सब्जी बनाने का, तो पहले सोचे बाहर से खाते हैं, फिर मैंने चलो छोड़ते हैं घर पे ही बनाते हैं क्योंकि मम्मी नहीं खाती है बाहर का ज़्यादा, तो फिर जैसे सोचा सब्जी बनाते तो सब्जी बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने चलो आलू पराठे बनाते, पता चला आलू भी नहीं है, तो फिर अब हम चले गए सब्जी मंडी, मैं और मेरा छोटा भाई, और हमने चले गए सब्जी मंडी आलू खरीदने।
तो बस अब जा ही रहे आलू खरीदने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाती भी चलूँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। और बस यहाँ आते आते हमारे हल्द्वानी का बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ मार्केट में नागर वाला है, जो क्या कहते हैं ब्रेड पकौड़ा, ये सामने खड़ा है, ये बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़े बनाता है, इतने ज़्यादा कि मतलब सभी पूरा मार्केट यहीं से खाता है। और इसके इतने बिकते हैं कि रात भर चलते रहते हैं, बस बनाता रहता है, कढ़ाई में डालता रहता है और सब बिक जाते हैं एकदम से। तो ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, बहुत सारे पकौड़े सब मिलते हैं इसके साथ स्नैक्स में खाने के लिए। तो बस हमारा सब्जी मंडी स्टार्ट हो गया है, यहाँ फ्रूट स्टॉल्स लग रहे हैं बस, और यहाँ ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। मैं सोच रही ट्रैफिक, बट हमें स्टॉल पहले ही मिल गया तो ट्रैफिक से बच गए। तो बस भैया बता रहे थे कि है देसी आलू, वो है पहाड़ी आलू, आपको कौन से चाहिए? हमने कहा हमें देसी आलू चाहिए पराठे बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो फटाफट हमारा काम हो गया, हमने आलू लिए और बस इसके बाद वो पैक करा रहा था। सो मेरा भाई की दुकान आ गई। कहाँ है मेरा भाई की दुकान? कहाँ खड़ा है? ये खड़ा है मेरा प्यारा सा भाई। लो बीमार भाई, ये हम ऐसे टहलने चल रहे हैं तो चल आ जा। अरे आ जा, अरे थोड़ा सा हवा। हमारे ऐसे ट्रिपलिंग करते हुए रूल सब तोड़ ताड़ के हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं घूमने, ऐसे मजे में जा रहे हैं अपने दूसरे घर के तरफ। हम तो वहाँ जा रहे हैं अपने, वो भी आपको दिखाती हूँ अपने साथ साथ कौन सी प्लेस है। मेरी एक जगह और है, वहाँ भी हमारा नया घर बन रहा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम पीछे के रास्ते से जा रहे थे तो मेन रोड से जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें पुलिस वाले पकड़ लेंगे क्योंकि हम तीन लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो ये मुंह छुपा रहे, तुमने कुछ गलत काम करा है तो मुंह छुपा रहे। गलत काम नहीं कर रहा, बट बिल्कुल अच्छा लगता है। ये देखो ये इन्हें कान बंद कर रखे हैं। पब्लिक ने देख लिया तुम्हें सुबह है? सुबह की इसमें देख लिया, शाम को मलक हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये रंग बदलते हैं क्या हो तो? क्रिकेट है। ओह माय गॉड, ये देखो। सो ये आ गए हमारे मोमोज, तीन प्लेट, चटनी ज्यादा दे रखी है और वो चटनी में होती मिर्ची नहीं होती जैसे सब जगह होती है, बढ़िया है। देखेंगे कि दूसरी प्लेट आ गई है, पहली प्लेट ये चट कर चुके हैं, अभी दूसरी कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं, तीसरे का भी इनका मन हो रहा है। इन्होंने मुझे एक दिया क्योंकि मुझे खाना नहीं था, हमने ये और भी खाएगा खाना, रोटी खाएगा, रोटी खाएगा। तो चलो फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये हमारा क्या है? पनीर थुप्पा। ये चाउमीन को हाफ करके बनाने का, ये हल्द्वानी में ही मिलता है इस टाइप का, और जगह भी मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करना कि और जगह भी मिलता है। तो पेट पूजा करके भैया ने पेट पूजा हमें करा दी है, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा और मस्ती करने, मतलब घूमने, सॉरी नॉट अ मस्ती, घूमा घूमी करने, क्योंकि यहाँ आए तो थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। और मेरे इतने प्यारे प्यारे भाई हैं, मुझे घुमाते ही रहते हैं, तो अब इनके साथ मैं जा रही थोड़ा सा घूम ही कर।